अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, जनाब ज़हरा आपका ये गिरिया कबूल फरमाए। अय्याम शहादत है, जनाब सकीना है, पहले आंसुओं के साथ परसा दे लें बीबी की बारगाह में, फिर मिलकर मातम करेंगे। जिंदा शाम में जब इस शहजादी को अपने बाप का सर मिला है, तो बाप के सर को अपनी गोद में लेकर जो शहजादी ने बैन की है, दो चार बैन इस मसलूमा के बतौर पुरसा फिर मिलकर मातम करेंगे। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई कैदी कहता है कोई कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, नील रुख सारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो चार बरस और कमर में हम हो, अरे आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई। अज़रकम अल्लाह, मौला मज़लूम करबला आपका पुरसा कबूल फरमाए, मौला अपने दरबार में तलब फरमाए हम सब अज़ादारों को। कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, सुनो इस चार साला जहरा का बयान सुनो अपने बाप के सर से, क्या कहा बेटी ने। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, अरे क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, सुनती हूं दादी ने खाया था तमाचा। अब मुझे को जी भर कर पुरसा दो फिर मातम करेंगे। वो शाम वाली बीबी अपने दरबार में बुलाए इस पुरसे के लिए तुम। अरे उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं के क्या गुजरी तेरी बेटी पर, मुझको जालिम ने कनीजी में जो मांगा। अब मुझे कोई सकीना।
पतंग इनको नहीं करना कभी। अरे सामने आपके सब बहने हैं ये बैठी हुई, पूछ लो पानी भी इनसे नहीं मांगा। कमल अल्लाह या जहरा बीबी इन सारे अज़ादारों के आंसू कबूल फरमाई। अब मुझे कोई सकीन, सुनो एक मुसीबत का बयान सुनो। आप थे दूर तो मैं सारे सितम से गेती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी। अरे आपके सामने जब शिमर ने मारा, हाथ भी मैंने लगाया नहीं दादी की कसम। अरे देना चाहा था मुझे लोगों ने सदका बाबा। अरे देना चाहा सदका बाबा, अब मुझे को अजर कमन अल्लाह या इमाम जमान। अल्लाहुम अज्जल ले वली कल फर या साहिब जमान। अब मुझे को सकीना नहीं कहता बाबा। से तड़पा के उठाया मुझको शिमर ने इस तरह दुर्रे से जगाया मुझको, फिर मुझे शाम तलक गश नहीं आया। कमल अल्लाह बीबी आपके यहाँ से कबूल फरमाए। किसी गम में न रोएं सिवाय गम सकीना के, सिवाय गम हुसैन के। बिल्कुल आखिरी बंद। खून बेशीर से अंदाजा किया है मैंने आपका चेहरा तो पहचान लिया है मैंने। अरे आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा।
या